हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको कलर कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब पर, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन मिलता है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से लाइन वाले सेक्शन में ये देखिए एक लाइन वाला ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्लस साइन बन करके आ गया। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि एकदम सीधी लाइन खींचे, मतलब जरा सी भी तिरछी ना हो, तो आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबा करके रखना है। उसके बाद जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए एकदम सीधी लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये देखिए एकदम सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब ये लाइन दोनों तरफ से सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा। अगर सेलेक्ट ना हो तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद एक नया टैब आपको ऊपर मिलता है शेप फॉर्मेट का। अगर आप सिलेक्शन हटा देंगे तो ये टैब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इस पे जाना है और यहां पर हमको जाना है शेप आउटलाइन पे। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो मोटाई है यानी कि विड्थ थोड़ी है वो हम बढ़ा देंगे। तो ये देखिए विड्थ वाला ऑप्शन यहाँ नीचे मिलता है, इस पर जब कर्सर ले जाएंगे तो राइट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। हम यहाँ से 3PT सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ गई है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि कलर आपको क्लियरली दिखाई पड़े। ठीक है, तो विड्थ बढ़ाने के बाद हम दोबारा से जाएंगे शेप फॉर्मेट में और इसके बाद यहाँ से फिर से शेप आउटलाइन पर जाएंगे, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ से रेड कलर पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप रेड कलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन का कलर चेंज हो गया।